और क्या हालचाल भाई लोग। तो आप सभी तो गूगल का यूज़ करते ही होंगे, लेकिन क्या आपको ये आइडिया है कि गूगल का सर्च जो है कैसे काम करता है? तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में ये समझाने वाला हूँ कि गूगल सर्च काम कैसे करता है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि गूगल जो है वो एक सर्च इंजन है। सो अब ये सर्च इंजन क्या होता है? सर्च इंजन एक टूल होता है जो कि वेबसाइट्स के इंफॉर्मेशन को और वेब पेजेस के इंफॉर्मेशन को अपने आप में स्टोर करके रखता है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें गूगल की, तो यहाँ पर जब भी आप कुछ गूगल पर सर्च करते हैं तो वहाँ पर आपको गूगल सर्च में क्या दिखाया जाए यह आपको 3 स्टेप्स में डिसाइडेड होता है। यानी कि गूगल पर सर्च जो है वो 3 स्टेप्स में काम करता है। 1 क्रॉलिंग, 2 इंडेक्सिंग एंड 3 रैंकिंग। इन सब के बारे में मैं आपको एक एक करके बता देता हूँ और यह आपको बहुत ही अच्छी तरह से एक सिंपल लैंग्वेज में समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर बात करते हैं क्रॉलिंग के बारे में। यहाँ पर क्रॉलिंग के लिए जो गूगल है वो बहुत सारे ऑटोमेटेड प्रोग्राम्स या बॉट्स का यूज कर सकता है, जिसको कहते हैं क्रॉलर्स या स्पाइडर्स। अब ये क्रॉलर्स यानी कि वेब क्रॉलर्स या स्पाइडर्स क्या करते हैं कि जितने भी नए साइट्स हैं या जितने भी नए वेब पेजेस हैं या अपडेटेड वेब पेजेस हैं उनको फाइंड करता है और उन्हें एक बंडल ऑफ लिस्ट में स्टोर करके गूगल में सेव करवा देता है। यानी कि जितने भी नए वेब पेजेस हैं उनको स्टोर करके रखता है एक लिस्ट में और गूगल उसे स्टोर कर लेता है। ये काम होता है क्रॉलिंग। 2 की बात करते हैं जिसको कहते हैं इंडेक्सिंग। अब वेब क्रॉलर्स जब भी वेबसाइट पर जाते हैं या स्पाइडर्स कभी भी वेबसाइट पर जाते हैं तो वहाँ पर वे वेबसाइट्स के इंफॉर्मेशन को जज करते हैं या लेते हैं, जिसे भी आप कह सकते हैं। तो वो वेबसाइट्स के इंफॉर्मेशन जैसे कि टाइटल, कीवर्ड, कंटेंट क्वालिटी, इमेज क्वालिटी, इन सभी को देखते हैं और सारी वेबसाइट्स को कंपेयर करते हैं कि किन किन साइट्स पर डुप्लीकेट इन्फॉर्मेशन पड़ी हुई है और किसके जो कंटेंट्स हैं वो अच्छी तरह से अरेंज किए हुए हैं। यहाँ पर जो वेबसाइट के कीवर्ड्स जो होते हैं उनको कैसे अरेंज किया गया है, उनके डिस्क्रिप्शन को कैसे लिखा गया है और उनके स्ट्रक्चर को कैसे बनाया गया है, इन सब को भी वो डिटरमाइन करते हैं और गूगल में उस साइट को इंडेक्स करते हैं और फिर ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है गूगल में सेव कर दी जाती है। अब यहाँ पर जो 3 स्टेप है वो है इंडेक्सिंग, और ये चालू होता है जब आप गूगल पर कुछ सर्च करते हैं। अब देखिए, कभी भी आप जब गूगल पर सर्च करते हैं तो यहाँ पर गूगल जो होता है वो अकॉर्डिंग टू योर इंटरेस्ट, अकॉर्डिंग टू योर लोकेशन, एक्टिविटी, डिवाइस एक्सेट्रा, इन सभी के अनुसार आपको रिजल्ट दिखाता है। मान लीजिए कि आपने गूगल पर सर्च किया बेस्ट रेस्टोरेंट्स, तो वहाँ पर अकॉर्डिंग टू योर लोकेशन, डिवाइस, योर एक्टिविटी एंड अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंस, वो आपके लोकेलिटी में जो रेस्टोरेंट्स आपके लिए बेस्ट हैं उनके बारे में आपको दिखाएगा, न कि अगर आप दिल्ली में हैं तो वो अमेरिका का रेस्टोरेंट दिखाएगा। इससे क्या होगा कि उसका कस्टमर सर्विस और ज़्यादा इन्हेंस होगा और कस्टमर सेटिस्फैक्शन इनकी यूजर का सेटिस्फैक्शन और ज़्यादा बिल्ड होगा। अब इस चीज़ को करने के लिए वो आपके एक्टिविटी को हमेशा ट्रैक करता रहता है और आपके जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जैसे कि लोकेशन, आप कौन सा डिवाइस यूज करते हैं, आपको क्या क्या पसंद है, इन सभी को वो ट्रैक करता है और आपको एक बेस्ट रिजल्ट प्रोवाइड करने की कोशिश करता है। यहाँ पर मैं आपको ये भी बता दूँ कि जो गूगल है वो दुनिया के जो 92% सर्च इंजन मार्केट को एक्वायर कर रखा है। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात एक और है कि जब भी आप किसी चीज़ को गूगल पर सर्च करते हैं तो वहाँ पर जो रैंकिंग होती है, जो आपको जो सबसे पहले सबसे ऊपर रिजल्ट दिखाई देते हैं, उनमें जो ज़्यादातर रिजल्ट्स होते हैं वो एडवर्टाइज रिजल्ट्स होते हैं। यानी कि उनके लिए कंपनी ने पेमेंट किया होता है कि मेरे ऐड को आप अपने गूगल के सर्च के वेब पेजेस पर ऊपर लगाइए और जितने भी जो नीचे रिजल्ट्स दिखाई देते हैं वो गूगल ने अपने से रैंक किए होते हैं, जो कि ऑर्गेनिक रिजल्ट्स होते हैं। अब यहाँ पर अगर आपके इस डीप में जाना चाहेंगे तो वो जो बात चली जाएगी वो हमारी SEO तक चली जाएगी, जिसे कि हम किसी और वीडियो में कवर कर लेंगे। बाकी मेरे इस वीडियो का एम था कि आपको एक सिंपल लैंग्वेज में समझाया जाए कि गूगल का सर्च कैसे काम करता है। बाय द वे, आप मुझे ये बताइएगा कि कैसा लगा आपको ये वीडियो, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ में इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अगर आपको इस वीडियो में कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना।
बाय द वे मैं मिलता हूँ आपको अपने अगले वीडियो में। थैंक यू एंड बाय बाय।